हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैरियर एकेडमी स्कूल पेटमार। क्लास 12th इंग्लिश की राइटिंग बेस की क्लासेस कंटिन्यू हैं। लास्ट क्लास में हमने एडवर्टाइजमेंट का एकोमोडेशन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एकोमोडेशन पर कुछ क्वेश्चन है जो दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन है जो लिख कर रखे हैं, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है 2015 के अंदर। यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, कि आपने एक नए घर का निर्माण किया है या आपने एक नया घर बनाया है। यू वॉन्ट टू लेट आउट, यू इस लाइन को समझना, यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, कि आप उस घर का एक हिस्सा है जो किराए पर देना चाहते हो। लेट आउट अ पोर्शन का मतलब वो हिस्सा किराए पर देना, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है जो टू बी पब्लिश्ड, जो प्रकाशित हो गए कहाँ पर, इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स, कि जो अखबार में जो भी हम ये विज्ञापन देंगे तो ये टू लेट वाला जो क्लासिफाइड कॉलम रहेगा, वर्गीकृत विज्ञापन रहेगा, उसके अंदर है जो ये अपना विज्ञापन आवे, ठीक है। आप लोकल न्यूज पेपर, कोई भी लोकल अखबार में देना है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस प्रकार से हम है जो टू लेट वाला एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले ड्रॉ एन रेक्टेंगल बॉक्स एंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि हेडिंग, क्या लिखेंगे, हेडिंग। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब रेंट वाला जो भी सवाल आए तो उसमें हेडिंग आपको क्या लगानी है, ये टू लेट वाले, ये टू लेट आपको हेडिंग बतानी पड़ेगी, और ये हेडिंग जो रहेगी वो किस में रहेगी, कैपिटल लेटर में रहेगी, ठीक है। तो बाकी वाला आपको पता ही है किस प्रकार से करना, लास्ट वीडियो को देख कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यू वॉन्ट टू परचेज ए फ्लैट, कि यू माने आप, वॉन्ट टू परचेज माने खरीदना चाहते हो, अ फ्लैट माने एक फ्लैट खरीदना है आपको, ठीक है, विथ थ्री रूम्स, जिसमें क्या होना चाहिए, थ्री रूम्स माने थ्री BHK के आसपास का फ्लैट है, कि थ्री रूम्स इन मालवीय नगर जयपुर। एक फ्लैट ऐसा खरीदना है जिसमें तीन रूम हो, और वो इसने देखो लोकेशन अपना प्रीफर किया है, लोकेशन क्या है, मालवीय नगर और जयपुर, जयपुर की मालवीय नगर में उसको एक तीन रूम वाला फ्लैट चाहिए। इट शुड बी प्रिफरेबली बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और इसने ये भी बताया है कि ये कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर माने जमीन से लगा हुआ फ्लैट है होना चाहिए, ठीक है। यू कैन पे अप टू ₹25 लाख, आप इसके कितनी कीमत दे सकते हैं, 25 लाख रुपये, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको अपना एडवर्टाइजमेंट तैयार करना। तो ये तो हो गया आपको परचेज करना। अगर प्रश्न को मैं थोड़ा और चेंज करूँगा, यू वॉन्ट टू सेल, आप सेल करना चाहते हो, तो आपको ये प्रश्न सेल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को लास्ट क्लास को देखकर, मेरी जो लास्ट क्लास हमने इस पर बनाई थी, उस लास्ट क्लास को देखकर इन प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्राई आपको घर पे करनी है, ठीक है। आज की क्लास में एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो तीसरा प्रकार है वो रहेगा ऐसे विज्ञापन जो जॉब वैकेंसी से रिलेटेड है। कई बार आपने आए न्यूज़पेपर में एड देखी होगी, आवश्यकता है, वांटेड हिंदी में लिखा हुआ आएगा, आवश्यकता है, फलाने फलाने स्टाफ की आवश्यकता है, या इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट्स, वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, वॉक इन इंटरव्यू, इस प्रकार के अलग अलग टाइटल दिए हुए होते हैं, और वे हमसे चाहते हैं कि हम उसमें अपने अप्लाई करें। और वे क्या देते हैं, वे किसी पोस्ट के बारे में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी और जगह कोई पोस्टें खाली है, रिक्वायरमेंट है, वे उसकी जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो वे कहलाती है वैकेंसी वाली पोस्ट। तो हम यहाँ पर परीक्षा में किस प्रकार से वैकेंसी वाली पोस्टें, सॉरी वैकेंसी वाले जो विज्ञापन है जो हम देखेंगे। तो देखो, जब विज्ञापन हम देते हैं वैकेंसी वाला, तो हमारे क्या क्या हेडिंग रहती है। सबसे पहले एक हेडिंग हम बनाते हैं सिचुएशन वैकेंट के नाम से,
किसके नाम से, सिचुएशन वेकेंट के नाम से, ठीक है। कभी कभार ये भी हेडिंग रहेगी। एक हेडिंग होती है वांटेड, क्या रहेगी, वांटेड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग आपने देखी होगी, जैसे अभी मैंने बताया रिक्वायरमेंट या वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू। तो ये अलग अलग प्रकार की हेडिंग है जो जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में हम बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये, जैसे इसमें था रिक्वायर्ड डिटेल्स, क्या चीज़, रिक्वायर्ड डिटेल, कि जैसे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में इसमें से कोई भी हेडिंग है जो हम कैपिटल लेटर में तो लिख देंगे, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट जब हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल रखें, उसमें क्या क्या डिटेल रखें जिससे अपना एडवर्टाइजमेंट पूरा हो जाए जॉब वाले के अंदर, तो समझने की कोशिश करना। तो रिक्वायर्ड डिटेल क्या क्या रहेगी, रिक्वायर डिटेल्स जॉब वाले में, रिक्वायर्ड डिटेल क्या क्या रहती है तो देखने की कोशिश करें। सबसे पहले रिक्वायर्ड डिटेल रहेगी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी निकाल रही है, चाहे वो स्कूल है, ठीक है, चाहे वो कोई और ऑफिस है, कोई संस्था है, ठीक है, तो उस संस्था का नाम और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको सबसे पहले बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा कि DK इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। जैसे मैंने अभी लाइन बोली कि DK इंटरनेशनल स्कूल इज, ठीक है, तो DK इंटरनेशनल स्कूल क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, बताना जरूरी है अपने एडवर्टाइजमेंट बनाते समय। सेकेंड चीज कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपको वैकेंसी कितनी है उसकी आपको संख्या भी बतानी होगी, ठीक है। एंड पोस्ट, एंड पोस्ट, ठीक है, आपको वैकेंसी की संख्या बतानी है और पोस्ट जिसकी आपको रिक्वायर्ड है वो पोस्ट आपको मेंशन करनी जरूरी है, कि हम वैकेंसी बता रहे हैं कि भाई जैसे रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है, LDC की वैकेंसी है, तो वो कितनी है वो भी आपको बतानी है और उस पोस्ट का नाम भी आपको बताना है। फिर इसके बाद क्या बताई जाती है कि आपकी संस्था है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रिसेप्शनिस्ट की, जैसे स्कूल है और स्कूल ने जैसे रिसेप्शनिस्ट का एक वैकेंसी निकाला, तो हमने बता दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि DK इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, और जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गया उसकी पोस्ट का नाम और कितनी वैकेंसी है वो भी आप आगे बता सकते हो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन और क्या चाहेगा एप्लीकेंट से, तो वो चाहेगा उसका क्वालिफिकेशन, वो क्या चाहेगा, उसका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बताना है कि हमें एक जैसे कि MA BA आगे वाला ऐसा होना चाहिए कि ही मस्ट बी MA और कोई डिग्री होल्डर है तो वो भी आप इसमें बता सकते हो। क्वालिफिकेशन बताना है और साथ में उसका एक्सपीरियंस बताना है कि आप जिस बंदे को नौकरी देना चाहते हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और उसको किस प्रकार का अनुभव है, उस काम का अनुभव कितना है, वो भी आपको बताना जरूरी है। फिर एज, मेन चीज कि आप जब नौकरी के लिए विज्ञापन दे रहे हो तो आपको कहाँ से कहाँ तक, किस एज तक के कर्मचारी एप्लीकेंट अप्लाई कर सके उतना आपको बताना है, ठीक है, कि एज आपको इसमें बतानी जरूरी है। एज एंड दूसरा लिखे तो मैं लिख दूँ सेक्स, कि आपको वैकेंसी में मेल चाहिए या फीमेल चाहिए वो भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बताई जाती है हमेशा पे स्केल, क्या बताओगे, पे स्केल, ठीक है, क्या बताना आपको, पे स्केल भी आपको बताना। नेक्स्ट
नेक्स्ट बताओगे आप कि जिसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आप किस प्रकार से सेलेक्ट करोगे उसको, वो भी आपको बताना जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी आपको बताना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर माने इंटरव्यू के जरूरी हो, इंटरव्यू से होगा या फेस टू फेस या कुछ ऐसे सवालात होंगे उसके बाद उनका, या कोई लिखित एग्जाम होगा, तो वे जो भी आप रखोगे वो चीज़ें आपको बतानी है, तो वो आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो ये भी कंपलसरी रहेगा बताने का। फिर लास्ट, सेकेंड लास्ट समझ लो, और इसमें क्या बताएं कि लास्ट डेट फॉर अप्लाई के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी वो भी बतानी। अगर इंटरव्यू डेट है तो आपको इसमें इंटरव्यू डेट भी बतानी है। ठीक है, इंटरव्यू की डेट भी मेंशन करनी है। फिर इसके बाद और क्या करें, इसके बाद हम और क्या बता सकते हैं, तो और इसमें हम बताएंगे सबसे मेन पार्ट, ये तो हो गया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हो गया संस्था का नाम हमने बता दिया जो वैकेंसी निकाल रही है, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी के भी, वैकेंसी की पोस्टें कितनी है, कितनी वैकेंट सीट है उसके बारे में बताया, फिर नेम ऑफ पोस्ट बता दिया कि हम किस पर है, जो हम वैकेंसी किस लिए निकाल रहे हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट के लिए है, लेक्चरर के लिए है, एलडीसी के लिए है या और कोई पोस्ट है। ठीक है, तो उसका नाम आपको बताना जरूरी है, आपको कितने क्वालिफिकेशन के लड़के चाहिए या लड़कियां चाहिए, आपने जो वैकेंसी निकाली है वो किन किन क्वालिफिकेशन वालों के लिए अप्लाई होगा और किन के नहीं लिए नहीं होगा वो भी बताना जरूरी है, एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए वो भी बताना जरूरी है, एज कहाँ से कहाँ तक के बच्चे आपको चाहिए या एप्लीकेंट चाहिए वो बताना जरूरी है, वो सेक्स में मतलब मेल चाहिए या फीमेल चाहिए वो भी बताना जरूरी है, पे स्केल आप संस्था द्वारा उसको कितना पेमेंट कर सकोगे वो भी आपको बताना जरूरी है। फिर है सिलेक्शन प्रोसीजर, मेन चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा, रिटर्न एग्जाम के थ्रू रहेगा, बाय इंटरव्यू रहेगा, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। फिर लास्ट डेट फॉर अप्लाई, अप्लाई की लास्ट डेट क्या रहेगी वो बतानी है, अगर इंटरव्यू रखते हैं तो आपको इंटरव्यू की डेट भी उसमें सेंक्शन करनी है। अब मेन चीज़ कि एप्लीकेंट आपको अप्लाई कहाँ करेगा, तो वो आ जाएगा उसका कॉन्टैक्ट, वो आ जाएगा उसका कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में क्या क्या लिखना आपको, एक तो एड्रेस, क्या लिखोगे मेन चीज़, एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, ये इतना सब चीज़ आपको बतानी है, और फिर इस बॉक्स को क्या कर, ये सभी चीज़ें बॉक्स में बताकर बॉक्स में क्या कर देना, बॉक्स को बंद कर देना। ठीक है, सिंपल सा है, स्टार्ट करने का तरीका आपको पता ही है, स्टार्ट, हाँ मेन चीज़ स्टार्ट कैसे करोगे, जैसे अभी मैंने एक लाइन बोली उसी प्रकार से, या तो हम इस प्रकार से स्टार्ट करें कि वॉन्टेड, ठीक है, शब्द कहाँ से शुरू करेंगे, वांटेड ए, अब आपको काय की ज़रूरत है कि ए लेक्चरर, तो हम लिखेंगे ए लेक्चरर इन, फिर लेक्चरर कहाँ यूज़ होते हैं तो आपको पता है लेक्चरर स्कूल में काम करेंगे, तो वांटेड ए लेक्चरर इन, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, और फिर इस प्रकार से जैसा जैसा ये पूछ रहा है उसी हिसाब से आपको टोटल आपको विज्ञापन है जो तैयार करना है। ठीक है, तो ये रहता है आपका जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप हेडिंग सिचुएशन वेकेंट भी बना सकते हैं, वांटेड भी बना सकते हैं, अगर इंटरव्यू का खास तौर से कई प्रश्नों में जिक्र हुआ है तो आप हेडिंग वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं, या यूँ कहें कि रिक्वायर की भी, रिक्वायर नाम से भी आप हेडिंग है जो बना सकते हैं। हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर, किस में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि नोटिस वाले क्वेश्चन हो, एडवर्टाइजमेंट वाले क्वेश्चन हो या इनविटेशन वाले क्वेश्चन है, इनकी जो वर्ड लिमिट मैंने आपको बताई थी, वर्ड लिमिट कितनी रहनी चाहिए, 50 वर्ड्स, कितनी आ जाएगी 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में इन प्रश्नों को पूरा करना है, क्योंकि नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्टिंग पोस्टर और आर्ग्यूमेंट, ये 5 जो टॉपिक है उसमें से कोई भी एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में अपने एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए नोटिस कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया,
इनविटेशन कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिया, और एडवर्टाइजमेंट का हमने काफ़ी कुछ देख लिया, जिसमें मैट्रिमोनियल वाला एडवर्टाइजमेंट देख लिए, एकोमोडेशन देख लिया, आज हमने इसका जॉब वाला किस प्रकार से बनाया जाएगा वो भी हमने कर दिया। कल की क्लास में हम देखेंगे कि जॉब से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन और जॉब के क्वेश्चन के बाद जो लास्ट अपना एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक रहेगा वो होगा लॉस्ट एंड फाउंड वाला। कौन सा? लॉस्ट एंड फाउंड वाला। लॉस्ट एंड फाउंड के विज्ञापन भी कभी कभार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वे किस प्रकार से बनते हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा अपनी कल की क्लास का टॉपिक, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है आज की क्लास में, एक तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और ये भी आपको जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनेगा ये सब डिटेल आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखनी है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से कल जो हम इस पर एक्सरसाइज देखेंगे वो हमारे रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।